बिना मावा और बिना खोया का इस्तेमाल किए एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाए ऐसा हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनाया है। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन में चाशनी अंदर तक गई है और ये कितना सॉफ्ट बना है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाए ऐसा हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन। पहले हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी ली है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। 2 कप पानी लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 6-7 इलायची को ऊपर से खोल के लिया है, ये अंदर डालेंगे। थोड़े से केसर के धागे डालेंगे, 1/8 टीस्पून जितना है। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, अभी चाशनी को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए उबालेंगे। चाशनी को मैंने 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। चाशनी हमें चिपचिपी बनानी है, जिस तरह से हम ऑयल को हाथ में छूते हैं और वो चिपचिपा लगता है, उसी तरह से हमें चिपचिपी बनानी है। 2 टीस्पून रोज़ वाटर डालेंगे, गुलाब जल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या होगा कि चीनी जमेगी नहीं। चाशनी में कभी कभी चीनी का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो वो नहीं होगा। गैस ऑफ कर देंगे, चाशनी रेडी है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि चाशनी ठंडी नहीं हो जाए। 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये एक बाउल में डाल देंगे। 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 पिंच जितना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे, एकदम फुले फुले बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2.5 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर में घी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 टेबलस्पून घी और डाल रही हूँ, टोटल मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला है। इस तरह से ब्रेड क्रम्स के जैसा टेक्सचर इसका होना चाहिए। 1/2 कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के डो बना लेते हैं। एकदम हल्के हाथ से ये डो बनाना है, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है इसे। एकदम हल्के हाथ से हमें इस तरह का डो तैयार करना है। इस तरह का हमें सॉफ्ट रखना है। 2 से 3 मिनट ढक्कन लगा के रखेंगे। 3 मिनट हो चुकी है, इसका हम बॉल बना लेते हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि गुलाब जामुन का डो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जितना दूध मिला सकते हैं। इस तरह से लंबा रोल बनाएंगे, नाइफ से काट लेंगे एक ही साइज में। नाइफ पे थोड़ा घी लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। चॉपर के ऊपर इस तरह से इसे राउंड राउंड घुमाएंगे हल्के हाथ से एकदम। बॉल के ऊपर क्रैक नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा क्रैक आएगी तो फ्राई करते टाइम बॉल तेल में छूट जाएगा। इस तरह से हम सारे बॉल बना लेते हैं। गुलाब जामुन के बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने देसी घी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गुलाब जामुन का बॉल अंदर डाल देंगे, आप देख सकते हैं घी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। गैस की फ्लेम हमें धीमी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा एक साथ में हमें नहीं डालना है। और अभी हमें इसे हाथ नहीं लगाना है, थोड़ा फ्राई होने देंगे, इसके बाद इसे चलाएंगे। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे बबल्स ऊपर आ रहे हैं। अभी थोड़ा इसे चलाएंगे, गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। चम्मच से घी को हम चलाएंगे इस तरह से, एकदम हल्के हाथ से उसे थोड़ा इस तरह से पलट लेंगे और धीमी आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन एकदम फूल गया है और ऊपर तैरने लगा है। अभी हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे, लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। कढ़ाई को हम इस तरह से घुमा के भी इसे चला सकते हैं।
लेकिन ये संभल के करना पड़ेगा। इस तरह से फ्राई करेंगे तो सब जगह से एक जैसा कलर का फ्राई होगा। धीरे धीरे कंटिन्यू इस तरह से चला के ही फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसे अभी हम निकाल लेंगे, जो एकदम फ्राई हो गया है इसे निकाल लेते हैं पहले। इस तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन दूसरे बैच में हम फ्राई करेंगे, तभी घी ज्यादा गर्म हो गया है तो इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करें। आंच को मीडियम करने की जरूरत नहीं है, ये धीमी आंच पे ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई होगा। जारा को इस तरह से घुमा के हम फ्राई करना है ताकि ये एक जैसा कलर का फ्राई हो जाए। दूसरा बेज का भी हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं एक जैसा कलर का ये फ्राई हुआ है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो हम इसे गर्म कर लेते हैं। थोड़ी इसे गर्म करेंगे और बाद में गुलाब जामुन डालेंगे तो अच्छे से गुलाब जामुन चाशनी पिएगा। चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्की सी गर्म करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। और गुलाब जामुन हमने फ्राई किया है ये अंदर डाल देंगे। हल्का ढक्कन इस तरह से थोड़ा लगा लेंगे, पूरा बंद नहीं करना है। और 2 घंटा इसे ऐसे ही रखना है। गुलाब जामुन को मैंने 3 घंटा चाशनी में भिगो के रखा था और ये कितना अच्छे से फूल गया है, एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पंजी गुलाब जामुन बना है। गुलाब जामुन को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप चाशनी में भिगो के रखेंगे तो ये एकदम फूल के बड़ा हो जाएगा और चाशनी एकदम अंदर तक जाएगी। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। चाशनी गुलाब जामुन में अंदर तक गई है और ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाए ऐसे गुलाब जामुन बनके रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।